हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी विथ गिरी सिस्टर्स में। और हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप हम मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको सारे सॉल्यूशन इजीली समझ में आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, एक चर वाले द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 1.2। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1.2 में क्या है। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण के मूल है या नहीं जांच करें। मतलब कि एक तो यहाँ पे द्विघात समीकरण दिया हुआ है और इसका मूल दिया हुआ है 1 और -1, तो क्या ये मूल इसी का है कि नहीं, ये हमें पता करना है। मूल को इंग्लिश में रूट्स कहते हैं। हमें पता करना है कि ये 1 और -1 इसका रूट है कि नहीं, ठीक है। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी जानना जरूरी है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर पहले से इंग्लिश के सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराए हुए हैं, एक्सरसाइज 1.2 और बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि सारे सॉल्यूशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से था कि निम्नलिखित प्रत्येक क्षेत्र में प्रदत्त मान प्रदत्त द्विघात समीकरण का मूल है कि नहीं। तो प्रदत्त द्विघात समीकरण ये है और मूल ये जो मान है ये दे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मान अगर उसको सर्टिफाई करना चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि ये जो मान है इसमें बैठा कर देखना होगा कि x का मान इतना है कि नहीं। हमें पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल जीरो। ये होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि सबका वैल्यू, इसका जो वैल्यू होता है वो इज इक्वल टू जीरो होता है। अगर ये द्विघात समीकरण है तो इसका मान भी जीरो के बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि द्विघात समीकरण, ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल जीरो, ठीक है, इसका बराबर जीरो कर देंगे हम। उसके बाद एक और माइनस एक बैठा कर देखेंगे कि एक्स का मान एक्स बराबर एक बैठाने पर क्या होता है। एक्स का मान अगर एक रखते हैं तो एक का स्क्वायर, ठीक है, अच्छा एक का मान एक्स इक्वल टू वन LHS में बैठा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, LHS में बैठाने पर मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर LHS में हम वन इसमें पुट करते हैं और उसका मान अगर जीरो आ जाए, RHS के बराबर आ जाए, तो हम कह देंगे ना कि ये इसको सर्टिफाई कर रहा है, ठीक है, उसको वो सिद्ध कर रहा है। अगर ये मान सिद्ध कर गया इसको, मतलब कि ये एक इसमें बैठाने पर जीरो आ गया, तो हम कह सकते हैं जो ये है ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है और इसका जो रूट है वो एक है, ठीक है। तो यही यहाँ पे हमें करना है, एक का स्क्वायर प्लस एक एक्स का मान वन प्लस वन। अब इसको देखते हैं कितना आता है, एक का स्क्वायर वन प्लस वन प्लस वन यानी कि तीन आ गया, जो कि नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया, जीरो के बराबर नहीं आया। अब उसी तरीके से एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बैठाने पर कितना आता है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। अब इसका मान कितना आ जाता है देख लेते हैं, माइनस वन का स्क्वायर तो वन ही होता है और प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन, ये वन और माइनस वन कट गया लेकिन आया कितना वन, जो कि एक के बराबर, जीरो के बराबर नहीं है। मतलब कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि यहाँ एक्स इक्वल्स वन व माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का मूल नहीं है या फिर रूट नहीं है, ठीक है, मूल नहीं है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 बन गया। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन इस तरीके से है, अब ये समीकरण दिया हुआ है, एक द्विघात समीकरण है। अब इसी समीकरण में हमें क्या बैठाना होगा जीरो बैठा के देखेंगे, अगर इसका मान जीरो के बराबर आ गया इसका मान, तो हम कह देंगे कि एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि समीकरण में जीरो बैठाने पर कितना आ रहा है, समीकरण में जीरो बैठाने पर, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो बैठा देते हैं तो एट
इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस सेवन इंटू जीरो है ना, तो इसका अगर इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो कितना आता है, जीरो प्लस जीरो मतलब कि जीरो आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यह समीकरण को सिद्ध करता है, ठीक है, लिखेंगे कि जीरो समीकरण को सिद्ध करता है, सिद्ध करता है, अतः यह समीकरण का एक मूल है, एक मूल हमें मिल गया, क्या है, जीरो। दूसरा माइनस टू पुट करके देखते हैं क्या होता है, तो एट इंटू माइनस टू, अच्छा यहाँ लिखना होगा कि माइनस टू बैठाने पर, आप कर लेना, प्लस सेवन इंटू माइनस टू। अब इसका मान कितना आ रहा है, आठ, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, और आठ चौका बत्तीस होगा यहाँ पे, और यहाँ प्लस माइनस माइनस चौदह, तो बत्तीस माइनस चौदह आ रहा है, ठीक है, जो कि अठारह होता है, और अठारह जीरो के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब कि माइनस दो क्या है, माइनस दो समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जीरो ही समीकरण का मूल आया, रूट आया, और बाकी नहीं है। तो हमें बस एक ही सिंपल बात समझ जानी है कि अगर जो मान दिया हुआ है वो मान इस समीकरण को सर्टिफाई कर रहा है, मतलब इसमें इतना बराबर जीरो आ जा रहा है, इसका मान जीरो आ जा रहा है, LHS का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड का, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान है इस समीकरण को सिद्ध करता है, इसका मतलब ये जो मान है यही एक समीकरण का मूल है, ठीक है। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर तीन और चार है, तो तीन और चार में भी वही चीजें करनी है हमें। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, साथ में मान दिया हुआ है, इस मान को इसमें पुट करके देखना है कि ये मान मूल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ इजी क्वेश्चन जीरो नहीं दिया हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि समीकरण को बराबर जीरो के रूप में बदलना है। चलो बराबर जीरो के रूप में पहले इसे बदल लेते हैं, तो एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस तेरह बटा छः बराबर जीरो हो गया, अगर इसको उधर ले गए तो माइनस जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक है। अब पांच बटा छः बैठाएंगे कि x बराबर पांच बटा छ बैठाने पर कितना होता है, x का मान पांच बटा छ बैठा देते हैं, तो पांच बटा छ प्लस, यहाँ पे देखो एक बटा एक्स है तो ये पलट जाएगा, छ बटा पांच हो जाएगा, माइनस तेरह बटा छ, अब ये कितना होता है, ठीक है, x का मान पांच बटा छ, LHS में बैठाने पे लिखना ज्यादा अच्छा होगा, LHS यहाँ पे आप लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो छ पांच और छह लसा तीस होगा, ठीक है, लसअप छः पच्चे तीस, पच्चा हाँ पच्चीस, प्लस पाँच छक्का तीस और छः छः छत्तीस, छः पच्चे तीस और तेरह पच्चे पैंसठ, ठीक है। अब ये इन दोनों को जोड़ देंगे हम, प्लस प्लस वाले को और माइनस वाले तो ऐसे ही रहने देंगे, छः पाँच ग्यारह और तीन तीन छः इकसठ माइनस पैंसठ बटा तीस आ गया, इसका मतलब ये हो गया कितना, माइनस फोर बाई थर्टी, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब कि पाँच बटा छः समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से चार बटा तीन को भी हम इसी तरह की जांच करेंगे, ठीक है, चार बटा तीन को हम समीकरण में बैठाएंगे कि एक्स के बराबर चार बटा तीन समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर। अब बैठा देते हैं यहाँ पे मान, यहाँ है हमारा समीकरण, तो यहाँ पे चार बटा तीन प्लस एक बटा एक्स है तो तीन बटा चार हो जाएगा, पलट जाएगा, माइनस तेरह बटा छः। अब इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तीन चार और छः का एलसीएम ले लेंगे, लसअप निकाल लेंगे हम, तो तीन और चार छः का एलसीएम बारह ही होना चाहिए, बारह होगा, तीन चौका बारह, चार चौका सोलह, प्लस चार तीय बारह, तीन दिएगा नौ, माइनस छः दोना बारह, मतलब यहाँ से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई, छः दोना बारह और तेरह दोना छब्बीस, ठीक है। अब सोलह और नौ कितना होता है, पच्चीस, पच्चीस माइनस छब्बीस यानी कि माइनस एक बटा बारह आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब ये मान भी नॉट इक्वल टू जीरो आ गई, जीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू फोर बाई थ्री समीकरण का मूल नहीं है, ठीक है, नहीं है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन को पूरा सॉल्व कर लिया, दोनों ही मूल नहीं निकला, ना ही पांच बटा छह है, ना ही चार बटा तीन है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि चौथा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस छह बराबर जीरो, और यहाँ पे मूल दिया हुआ है माइनस रूट थ्री एंड रूट थ्री, तो ये दोनों मूल है कि नहीं ये हमें जांच करना है। हमारे पास समीकरण बना के दिया हुआ है,
एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री एक्स माइनस छः बराबर जीरो। अब क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री, पहले इसको लेके चलेंगे, का माइनस थ्री समीकरण, सॉरी समीकरण के एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में बैठाने पर, ठीक है, बैठाने पर बैठा कर देखते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, तो माइनस रूट थ्री का स्क्वायर माइनस माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री, ठीक है, माइनस छः, ठीक है। अब माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है, और रूट थ्री का अगर स्क्वायर करेंगे तो तीन हो जाएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री मतलब कि रूट नाइन, और नाइन का रूट कितना हो जाता है तीन, तो ये हो गया तीन, ठीक है। आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर रूट को किसी रूट से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो ये रूट हट जाता है और सिंपली तीन बन जाता है, ठीक है। तो चलो अब ये हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देखो कि रूट थ्री माइनस माइनस तो यहाँ पे पहले तो प्लस हो जाएगा, रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री थ्री हो जाता है, और यहाँ पे माइनस सिक्स, थ्री प्लस थ्री कितना होता है छः, छः माइनस छः जीरो, मतलब कि मान कितना आ गया जीरो। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ यहाँ एक्स इज इक्वल टू, या फिर एक्स इज इक्वल टू नहीं लिखो, आप मान कितना दे रूट थ्री, माइनस रूट थ्री समीकरण का एक मूल है, ठीक है, एक मूल या रूट है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम बैठाते हैं रूट थ्री, रूट थ्री बैठाने पे क्या होता है, तो एक्स बराबर रूट थ्री बैठाने पर, बैठाने पर अब इसे बैठा कर देख लेते हैं, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री माइनस छः, ठीक है। अब रूट थ्री का स्क्वायर तो तीन हो जाता है, और ये यहाँ पर भी तीन माइनस छः, तो यहाँ पे देखो कि यह माइनस तीन और प्लस तीन माइनस छः नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब कि माइनस रूट थ्री, सॉरी रूट थ्री समीकरण का मूल नहीं है, समीकरण का मूल नहीं है, नहीं है। तो इसी तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मूल को कैसे सर्टिफाई कराना है और किस तरीके से पता लगाना है कि इसका मूल है कि नहीं, बहुत ईजी तरीका था, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को करेंगे, सॉरी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को करेंगे। सॉरी मैंने यहाँ पे एक स्लाइटली मिस्टेक किया है, यहाँ पे माइनस रूट थ्री तो था बट यहाँ पे माइनस टू रूट थ्री था, तो यहाँ पे एक्स का मान टू रूट थ्री बैठाने पे कर देंगे, ठीक है। तो टू रूट थ्री यहाँ पे टू मल्टीप्लाई रूट थ्री हो जाएगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर दूँ, ठीक है। तो टू रूट थ्री, टू का स्क्वायर फोर हो जाता है, और तीन मल्टीप्लाई तीन, रूट थ्री का स्क्वायर तीन, यहाँ पे देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री थ्री और मल्टीप्लाई टू माइनस छः, अब यहाँ पे हो गया बारह, और ये तीन दूना छः, और ये भी माइनस छः। अब ये देखो बारह माइनस बारह हो गया, दैट इज़ ज़ीरो हो गया। इसका मतलब कि टू रूट थ्री समीकरण का मूल है, का मूल है, मतलब कि ये जो दोनों हैं, दोनों मतलब कि माइनस रूट थ्री एंड टू रूट थ्री दोनों ही समीकरण का मूल है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दोनों ही रूट्स आ गए हैं समीकरण का। तो इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो का एक नंबर k के किस मान के लिए सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू द्विघात समीकरण का मूल दो बटा तीन होगा, ज्ञात करके लिखे। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे मूल दे दिया है दो बटा तीन, मतलब कि यहाँ पे x का मान दे दिया है दो बटा तीन। अब यहाँ से अगर x का मान हमें मिल गया, मूल मिल गया, तो इस मूल को इस समीकरण में बैठा देंगे, क्योंकि मूल क्या करता है, समीकरण को सर्टिफाई करता है, समीकरण में बैठा देंगे, और यहाँ से इजली हम के का मान निकालेंगे। तो चलो इसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि के किस मान के लिए इतना इज इक्वल टू जीरो का मूल दो बटा तीन होगा। इसका मतलब अगर इसका मान, अगर हम क्या करें, यदि यदि एक्स बराबर दो बटा तीन, ठीक है, एक मूल है इसका, तो एक्स बराबर दो बटा तीन या फिर x का मान दो बटा तीन रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 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 का मान मान जीरो होगा या शून्य होगा, शून्य होगा, है ना। इसका मतलब x का मान हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, क्योंकि x क्या है, एक मूल है, x मूल क्या करता है, समीकरण को सर्टिफाई करता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि x का मान इस समीकरण में रख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेवन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के एक्स, सॉरी सेवन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक्स का मान दो बटा तीन रख देते हैं, सेवन मल्टीप्लाई दो बटा तीन का स्क्वायर प्लस
प्लस के इंटू एक्स का मान क्या है 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान देना कि अगर मूल दे दिया है तो हम डायरेक्टली उसको समीकरण में पुट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो मान मूल होता है वो क्या करता है, समीकरण को सेटिफाई कर देता है, इसका मान शून्य के बराबर कर देता है। तो ये पूरा समीकरण हमें यहाँ लिखना होगा और x के जगह पे हमें मूल जो कि रूट्स है उस रूट का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना होगा। बस हमें कुछ भी नहीं करना है, k तो k जैसा ही रहेगा, 7 × 2² 4 और 3² 9 प्लस k मल्टीप्लाई 2/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि सॉरी इम्प्लाइज का साइन दो, 7 × 4 = 28/9 प्लस 2k/3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमें k का मान निकालना है, बाकी सारे मान को उधर लेके जा सकते हैं, तो हम उसी तरीके से कर लेते हैं, या फिर इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम ले लो तो 9 हो जाएगा एलसीएम 9, 9 से 9 कट जाएगा, 28 प्लस 3 × 9 और 3 × 2 = 6, 6k - 27। ठीक है, अब देखो कि 28 - 27 एक हो जाता है, 1 + 6k/9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 + 6k इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 और ये जो 6 है वो डिवाइड में -1/6। ठीक है, तो -1/6 आ गया आपका k का आंसर। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में यही मैं बता दूँ k के किस मान हेतु एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 3ax है ना, 3ax प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k का कौन सा मान होगा, समीकरण का एक मूल दे दिया है -a। ठीक है, मूल क्या दिया हुआ है, मूल दे दिया है -a। अब इस मूल को इसमें क्या करना होता है, पुट करना होता है, जैसे यहाँ पे मैंने किया है। बस मैं ये शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इस a मूल को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, तो x के जगह पे क्या पुट कर देंगे, -a स्क्वायर प्लस 3a इंटू -a प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब -a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया और ये प्लस माइनस -3a² प्लस k इज इक्वल टू 0। अब 3a² - a² -2a² प्लस k इक्वल 0, दैट इज k का मान कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो 2a², मतलब कि k का जो मान आ गया, एक बार आंसर देख लो, हाँ तो k का जो मान आ गया वो 2a² के बराबर है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 1 एंड 2 दोनों ही सॉल्व हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, टफ नहीं था। आगे की वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ठीक है, और आप मेक श्योर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।